हेलो दोस्तों, नोटिफाई नॉलेज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के बारे में। फ्रेंड, यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड, हम यहाँ पे बात करने वाले उन छात्रों के जिनके फॉर्म में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज्यादा कमेंट किया है कि मेरे फॉर्म में ये गलती हो गई है, मेरा मतलब काउंसिलिंग डिटेल है वो मिसमैच हो गया है। बहुत सारे बच्चों ने मतलब बहुत ज्यादा कमेंट किया है, तो मैं कमेंट न उठाते हुए मैं डायरेक्ट यहाँ पे वीडियो बना दिया और आपका अगर प्रॉब्लम है यहाँ पे उसका सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ। और यहाँ पे जिन भी छात्रों का करेंट स्टेटस अभी भी मतलब कुछ भी कुछ डिफरेंट शो हो रहा है, उनका फॉर्म जो है अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ है, उनके लिए क्या अनुजय है और किन छात्रों की स्कॉलरशिप इस बार 100% आने वाली है, ठीक है? तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे उन छात्रों के जिनके फॉर्म में कुछ न कुछ गलतियां हैं, अभी भी गलतियां हैं और उनको परेशानी है कि मेरा फॉर्म वेरीफाइड होगा या नहीं होगा और मेरी स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी, ठीक है? तो बहुत ज्यादा बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि मेरे फॉर्म में जो है मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल इंटर्ड बाय स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन, ऐसे करके शो हो रहा है। उनका कहना ये है कि एक न्यूज सामने निकल के आई है कि जिनका भी ये शो हो रहा है, मतलब जिन्होंने काउंसलिंग डिटेल अपना फिल नहीं किया है या फिर जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन कराया है, उनकी इस बार स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है, ठीक है ना? तो फ्रेंड, आपको बता दें कि ऐसा कोई न्यूज नहीं है। हाँ, न्यूज ये है कि आपका जब अगर आपका एडमिशन काउंसलिंग बेस पे हुआ है, ठीक है ना, तो आपको काउंसलिंग डिटेल फिल करना मैंडेटरी है। अगर आपने काउंसलिंग डिटेल फिल नहीं किया है, यानी कि जैसे आपका रोल नंबर हो गया और आपका जो रैंक हो गया, ये सब अगर आप लोग फिल नहीं किए हैं तो आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ठीक है ना? अगर आप लोगों ने नो किया होगा तो ये हम नहीं कह रहे कि आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है? मेन मुद्दा ये नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। देखिए, मेन मुद्दा ये है कि आपका फॉर्म वेरीफाइड होगा या नहीं होगा। देखिए, जिनका फॉर्म वेरीफाइड हो गया वो लोग निश्चिंत रहे, भले से आपके फॉर्म में कुछ भी गलतियां हो, किन्हीं भी छात्रों में कुछ भी गलतियां हो, कुछ भी भर दिए हो, अगर उनका मतलब संयोग से अगर उनका फॉर्म वेरीफाइड कर दिया जाता है तो समझ लीजिए कि सब कुछ ओके है, सब कुछ सही है, भले से उन्होंने कुछ भी गलती भर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं उन छात्रों का जिन्होंने काउंसलिंग डिटेल मिसमैच करके दिखाया। मैं उनका थोड़ा सा एक डिटेल यहाँ पे दिखा देता हूँ, फॉर्म भरते समय क्या शो हो रहा होगा, ओके? तो फ्रेंड, यहाँ पे हम बात करेंगे उन छात्रों के जिनके फॉर्म में कुछ न कुछ गलतियां हैं या फिर उन्होंने कुछ न कुछ गलतियां कर दी हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो काउंसलिंग डिटेल वाला जहां पे मिसमैच हो रहा है। देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग बीएड हो, डीएलएड हो, मतलब बीटीसी सेम टू सेम हुई है, ठीक है, और अगर आप लोग पॉलिटेक्निक है या फिर आप लोग बी फार्मा है, डी फार्मा है, मतलब आप किसी भी कोर्स के छात्र हो, अगर आपका एडमिशन या फिर जो पेपर होता है एंट्रेंस बेस पे हुआ है, जैसे आपका एडमिशन होता है ना एंट्रेंस बेस पे हुआ है, तो अगर आपका एंट्रेंस बेस पे हुआ है और आप लोगों ने यहां पे नो कर दिया है तो थोड़ा सा यहां पे दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना? यहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे छात्रों में ये कमेंट किया है कि मेरा जो है डायरेक्ट एडमिशन हुआ है। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन का मतलब भी काउंसलिंग होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जिनका भी डायरेक्ट एडमिशन हुआ है उनका भी लास्ट में काउंसलिंग से ही होता है, ओके? और उनको भी यहां पे यस करना होता है, यहां पे काउंसलिंग नंबर, आपका रैंक, आपका प्रवेश परीक्षा और आपका यहां पे ये सब फिल करना होता है, ठीक है ना? तो अगर इन्होंने यहां पे नो कर दिया है या फिर यहां पे कुछ नहीं भरा है तो उनका उतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मेन बात पड़ता है कि फॉर्म वेरीफाइड होगा कि नहीं होगा। अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड हो गया तो आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी, ठीक है ना? तो ये आपको परेशान होने की अभी आवश्यकता नहीं है। जो आपको भरना था जो भरा गया, ठीक है ना, चाहे आपने सही भरा हो चाहे गलत भरा हो, जो होना था हो गया, करेक्शन का डेट भी यहां पे खत्म हो चुका है। बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना है और DWO का इंतजार करना है कि ये कब तक आपका फॉर्म वेरीफाइड करेगा फिर रिजेक्ट करेगा। अब सारा दारोमदार बस DWO के हाथों में है, आपके हाथों में कुछ नहीं है। यहां वहां भटकने से, 50 कमेंट करने से आप लोग का ये सॉल्यूशन इसका सॉल्व होने वाला नहीं है। जो होना था हो गया, जो आपको करना था आपने कर दिया, मैंने पहले ही बताया था। अब जो करना होगा वो समाज कल्याण विभाग वाले करेंगे। आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट करना होगा रिजेक्ट करेंगे, अगर एक्सेप्ट करना होगा एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म में कुछ गलतियां भर दी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, ठीक है ना? मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको फॉर्म में कुछ ना कुछ गलतियां भी भरी जाती हैं तो आपका फॉर्म वेरीफाइड होता है, ठीक है ना? मैं आपको यहां पे एक प्रूफ दिखा दे रहा हूं। जैसे आप लोग के सामने यहां पे 9 नंबर पे लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी पंजीयन क्रमांक। जब आप लोग फ्रेश फॉर्म भरते हैं तो यहां पे कोई बीएड का रोल नंबर डालता है, कोई यहां बीएड का रजिस्ट्रेशन नंबर डालता है, कोई बोलता है कि यहां पे मैं ग्रेजुएशन का एनरोलमेंट नंबर डालता हूं। तो देखिए, तो यहां पे बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके के यहां पे अपना
मतलब फिलअप करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी का भी फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं किया जाता है DW की तरफ से, ठीक है ना। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप में ज्यादा मतलब बड़ी प्रॉब्लम ना हो, जैसे आपका बैंक डिटेल अच्छे से फिल होना चाहिए, ठीक है ना, आपका जो है इनकम और आय सर्टिफिकेट, आपका मोबाइल नंबर, ये सब सही होना चाहिए, आपका जो मार्क है हाई स्कूल का मार्क रजिस्ट्रेशन करते समय ये सही होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड ये रही जानकारी उन लोगों के जिनको फॉर्म में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने अपने फॉर्म में कुछ भी गलतियां कर दी, कुछ भी त्रुटि हो गई है, आपने करेक्शन करते समय उसको सही नहीं किया था, या फिर अभी भी वो गलत है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये सारा दारोमदार DW के हाथ में है। अगर आपके फॉर्म को रिजेक्ट करना होगा रिजेक्ट करेगा, अगर आपको वेरीफाइड करना होगा वेरीफाइड करेगा, ठीक है ना। तो आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और ये जो है आपको मतलब ये फरवरी के लास्ट पता चल जाएगा कि आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट होगा या फिर एक्सेप्ट होगा। तो ये रहे फ्रेंड उन छात्रों का जिनके फॉर्म में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, उन्होंने कुछ भी गलती फिलअप कर दिया है। मैं ये सारे छात्रों के लिए कह रहा हूं, अगर आपके मतलब अगर आप 9th क्लास के हो, 10th हो, 11th, 12th, UG, PG, डिप्लोमा, ठीक है ना, आप किसी भी कोर्स के छात्रों कुछ भी गलतियां कर दिए, तो आपको वहां पे सही करने का कोई भी चांस प्रेजेंट टाइम में नहीं है, ठीक है ना। जो होना था हो गया, करेक्शन पोर्टल ओपन हुआ था, अगर आपने करेक्शन किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो बात को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब जो होना है बस आप लोग अपना कंटिन्यूअस करेंट स्टेटस चेक करते रहिए, और वहां से देखते रहिए कि फॉर्म आपका वेरीफाइड हो रहा है फिर रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब कुछ दिन वेट कीजिए और अपना करेंट स्टेटस चेक करते रहिए, ठीक है ना। बात कर लेते हैं उन छात्रों का जिनका कुछ ना कुछ करेंट स्टेटस में मिसमैच शो हो रहा है। फ्रेंड बात करेंगे उन छात्रों के जिनके करेंट स्टेटस में यहाँ पे कुछ न कुछ मिसमैच हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे SSC बोर्ड, CBSE बोर्ड अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, ऐसे कुछ करके शो हो रहा है, या फिर ऐसे शो हो रहा है, या फिर जिन छात्रों ने अपने फॉर्म में करेक्शन किया था उन सब छात्रों का जो फॉर्म में वेरीफाई होने का मैंने बताया है कि 5 मार्च या फिर 10 मार्च से पहले पहले उन सभी छात्रों का फॉर्म जो है अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे उनको पता चल जाएगा उनका फॉर्म जो है DWO एक्सेप्ट कर रहा है या फिर रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो सारा डिटेल है यहाँ पे आपको इसी वीक, ठीक है ना, आपको इसी वीक यानी कि 17 या फिर 18 फेब से पहले पहले या फिर उसके बाद, यानी कि 5 मार्च से पहले पहले सारे बच्चों का जो भी अपडेट है, चाहे पेंडिंग होगा चाहे कुछ भी होगा, यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, रिजेक्ट होना रहेगा रिजेक्ट होगा, वेरीफाइड होना रहेगा वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग परेशान मत रहिए, आप लोग का फॉर्म वेरीफाइड हो जाएगा। मुझे पता है आप लोग बहुत परेशान हो रहे, आप बहुत सारे बच्चों का फॉर्म है यहाँ पे 2-3 महीने से पेंडिंग है, दो तीन महीने से यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत दिखा रहा है, थोड़ा सा सबर और रख लीजिए। जैसे 2-3 महीने वेट किए हैं वैसे 2-4 दिन 1 हफ्ते और वेट कर लीजिए, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। बात करेंगे किन छात्रों की स्कॉलरशिप इस बार 100% आने वाली है। तो फ्रेंड बात करेंगे किन छात्रों की स्कॉलरशिप 100% वाली है। फ्रेंड जिनका भी यहाँ पे करेंट स्टेटस में वेरीफाइड शो हो रहा है, यानी कि जिनका भी समाज कल्याण अधिकारी द्वारा यहाँ पे फॉर्म वेरीफाइड कर दिया गया है, जिनका फॉर्म जो है बैंक से भी वेरीफाइड कर दिया गया है, और जिनका जो है अटेंडेंस परसेंटेज 75% से ऊपर है, और फ्रेंड जिन भी छात्रों में यहाँ पे होम पेज में सत्यापित शो कर रहा है, ओके, और फिर जिनका भी गत वर्ष यहाँ पे 60% से ऊपर है, उनकी स्कॉलरशिप 100% आने वाली है, उनकी स्कॉलरशिप कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो गत वर्ष आप लोग फिल करते हैं वहां पे 60% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, देखिए ये अभी यहाँ पे कन्फर्म नहीं है कि यहाँ पे परसेंटेज बेस होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे 2-3 सालों से लगातार जब से ये गवर्नमेंट बनी है वहां से यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज बेस स्कॉलरशिप देना स्टार्ट कर दिया है, कि मतलब आप जितने अच्छे मार्क लाएंगे आपकी स्कॉलरशिप उतने पहले मिलेगी, ठीक है ना। इसके पहले जो होता था आपका इनकम बेस होता था, कि जिनका भी 2 लाख या फिर 2.5 लाख से कम होता था, सरीना वानी वार्षिक है, उनकी स्कॉलरशिप पहले मिलती थी, लेकिन 2-3 सालों से लगातार ये हो रहा है कि आपका जो परसेंटेज है अच्छा होना चाहिए तभी आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो मैं इसलिए यहां पे कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने गत वर्ष में यानी कि अपने प्रीवियस ईयर में जो भरा है यहां पे 60% से ऊपर पाया है, ये बात कर रहे हैं हम जनरल, ठीक है ना, जनरल और ओबीसी वाले छात्रों के लिए, ठीक है ना। अगर आपने यहां पे 60% से ऊपर पाया है तो आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी। बचे हैं यहाँ पे SC, ठीक है ना, SC, ST और माइनॉरिटी वाले, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे माइनॉरिटी वाले, तो इनकी जो है मिनिमम जो है परसेंटेज यहाँ पे रखा जाता है 40-50%, ठीक है ना, इनको 40-50% से ऊपर लाना होता है तभी इनकी स्कॉलरशिप आती है अगर गत वर्ष में। तो ये पहले का नियम था, इस बार का क्या नियम है कोई कंफर्म नहीं है। इस बार ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इनकम बेस देते हैं या फिर परसेंटेज बेस देते हैं, जो भी देने वाले रहेंगे जैसे भी ये लोग देंगे तो आपको इस वीडियो से जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आप लोग अगर 100% यहाँ पे स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो आपका ये जो हमने पहले बताया है कि आप
आपका जो है गत वर्ष में 60% से ऊपर होना चाहिए, आपका फॉर्म वेरीफाइड होना चाहिए, बैंक से भी वेरीफाइड होना चाहिए, अटेंडेंस परसेंटेज जो है 75% से ऊपर होना चाहिए, तो ऐसे छात्रों का जो है 100% स्कॉलरशिप आएगी, उससे कोई रोक नहीं सकता। तो फ्रेंड ये रही जानकारी आज की, आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कमेंट, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके जवाब का रिप्लाई दिया जाएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।